पार्टी की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर मिलेनियल सिटी में सर्व समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के आगाज से ही रागनी कलाकारों ने संस्कृति की छटा बिखेर समा बांध दिया। हांसी, रोहतक, रेवाड़ी, दादरी, नारनौल समेत प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में स्थानीय बच्चों ने स्वागत गीत पेश किया। इस मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय टीम ने मंच के माध्यम से अध्यक्ष अंकित अलग का जोरदार स्वागत किया एवं इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे समाज के मौजूद लोगों को भी सम्मानित किया गया। एक संस्करण है, अभी आप सबको भी वितरित की जाएगी, जो गणमान्य अतिथि मंच पर उपस्थित। मंच का बखूबी संचालन करते हुए विख्यात हास्य कवि सुंदर कटारिया ने हरियाणवी नृत्य, भांगड़ा, देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के लिए एक एक कर कलाकारों को मंच पर आमंत्रित किया। गुरुग्राम के विख्यात नन्हे कलाकार भाविका एवं पार्थ हिंदुस्तान की प्रस्तुति भी सामाजिक एकता का अद्भुत संदेश दे गई। इस आयोजन में पार्टी के सह संस्थापक व महासचिव विक्रांत मक्कड़, सह संस्थापक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगेश कटारिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वैभव जैन, अभिषेक ठाकुर, मोहन डींगड़ा एवं कपिल अरोड़ा, स्वाति ग्रोवर, जितिन यादव, नवीन यादव समेत अनेकों कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। वो सभी बधाई के पात्र हैं, जो लोग खाना खा रहे हैं वो ताली ये लोग क्या लोग भी प्लीज भाई फोन नीचे प्लीज फोन नीचे भाई कपड़ों का निशान पड़ जाएंगे तो वो खाने में लगे रहे हैं, उनका खाना खाना भी पार्टी के प्रति जुड़ाव ही है। थैंक यू। इस अवसर पर वॉइस और राजस्थान के विजेता विशाल सिंह भाटी, आरटीआई एक्टिविस्ट हरिंदर डींगड़ा, आरटीआई एक्टिविस्ट ओपी कटारिया, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के महामंत्री धर्मेंद्र फौजी, सैन समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, पूर्वांचल समाज एवं पंजाबी समाज समेत प्रदेश के अनेक प्रबुद्ध समाजसेवियों एवं बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने कहा कि आज यहां उमड़ा जनसैलाब इस बात की गवाही देता है कि प्रदेश की जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है और 2024 के चुनावों में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, 2 साल हो गए स्थापना को, क्या संदेश दिया है आपने? ऐसे देखिए, आज हमारे दूसरे स्थापना दिवस पर सारा समाज यहाँ पे आया, सिख समाज के लोग यहाँ पे आए, जाट समाज के लोग यहाँ पे आए, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे आए और ना सिर्फ गुरुग्राम से आए, हरियाणा के अलग अलग कोनों से आए हैं और आज हमने दूसरे स्थापना दिवस पर मानवता का, भाईचारे का संदेश दिया है। जो काम हमारी वर्तमान सरकार हमें बांटने में लगी हुई है, हमें काटने में लगी हुई है और हमको छाटने में लगी हुई है, क्योंकि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हमने कोशिश करी है 2 साल पहले से कि हम समाज जो बट रहा है, समाज को जागरूक करेंगे, समाज को जोड़ेंगे और आज इसका जीता जागता उदाहरण, इसका प्रमाण आप सबके बीच में है, क्योंकि इस कार्यक्रम में दिव्यता भी थी, भव्यता भी थी और मानवता भी थी। 2014 के बाद आपने कहा, यहाँ से आपके जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने कहा कि देश का सर्वनाश हुआ है, क्या इसको बदलाव करने के लिए क्या करेंगे और किस तरह का सर्वनाश हुआ? हर बदलाव क्रांति मांगती है। देखिए, जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने बोला कि 2014 के बाद, देखिए हम सबको पहले दिल से बात करनी पड़ेगी। हमारा दिल सबका जानता है लेकिन हम कई बार भय होके डर जाते हैं, हम नहीं बोल पाते, लेकिन 2014 के बाद हमको मालूम चला कि हिंदू खतरे में है, हमारा समाज खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश के 80% IPS हिंदू, जिस देश के 80% IAS हिंदू, वो देश खतरे में, ये तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और जनसेवा क्रांति पार्टी पढ़े लिखे युवाओं का संगठन है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यही जानते हैं कि ईश्वर ने 2 ही जात बना के भेजी थी, स्त्री की, पुरुष की, और धर्म मानवतावाद का था, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 2014 से पहले क्या हिंदू खतरे में नहीं थे? तो यही तो सवाल है, यही सवाल तो हमें अपनी सरकार से पूछना है कि वो बार बार बोल रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी सरकार खतरे में है, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमारे देश का नागरिक जागरूक हो गया, हमारे देश का नागरिक समझदार हो गया, हमारे देश का नागरिक शिक्षित हो गया तो वो सवाल पूछेगा, तो इसी सवाल को दबाने के लिए वो एक दबाव बना रहे हैं, वो हमारे को जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था हम लोग हिंदुस्तानी थे, अब क्या हुआ है? अब हिंदू हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, सिख हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं। ये सवाल हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि तुम हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हो? नहीं, खतरे में तुम लोग हो, तुम्हें खतरा है कि अब 2024 में हरियाणा से इस सरकार का सफाया
तय है, लोग जागरूक हो गए हैं। हरियाणा के अंदर अब जनसेवा करनी होगी, राजनीति नहीं करनी होगी, क्योंकि राजनीति करते करते इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति करी है, सेवा नीति करनी होगी।